टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार करने पर पूरे देश में प्रथम आने वाली छात्रा को फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बधाई दी और अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे मुलाकात की। इसके अलावा और भी अच्छे स्थानों पर रहे सेक्टर 23 के मॉडर्न बीपी स्कूल के विद्यार्थियों को पुलिस कमिश्नर ने बधाई देते हुए उनकी मेहनत को सराहा। इस मौके पर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। दे रहा ये नज़ारा है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस का, जहां स्वयं पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा उन बच्चों से मिल रहे हैं जिन्होंने बेंगलुरु में आयोजित टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार करने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देशभर के 748 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन फरीदाबाद की छात्रा और उसके साथियों ने इस आविष्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बच्चों के कोच नवीन जोशी की माने तो इन बच्चों की ये पहली उपलब्धि नहीं है, बल्कि इससे पहले भी काफ़ी कारणों में इन बच्चों ने करके न केवल उनके मॉडर्न बीपी स्कूल बल्कि फरीदाबाद जिले का भी नाम रोशन किया है। इसमें सर कम से कम 748 मॉडल्स थे एग्जिबिट से, तो 748 मॉडल थे तो एटलीस्ट आप मान के चढ़ सकते हैं कि 748 बच्चों ने भाग लिया होगा। तो मॉडल्स काफ़ी अच्छे भी थे, इनोवेटिव भी थे, अच्छे भी थे, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन ये ऑनलाइन मोड से लिया गया था, मतलब हमने अपने मॉडल की वीडियो बना के उनको भेजनी थी मेल के थ्रू। उसके बाद जो वहाँ से जजमेंट आई है तो हम भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हमें भी काफ़ी उत्साह मिला कि भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन हमारी स्कूल की आई है। वो सर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमारी फर्स्ट पोजिशन आई थी। तो हमने बनाया था टेम्परेचर मेंटेनिंग और शुगर लेवल डिटेक्टिंग कार्ड बनाया था। ये प्रोजेक्ट है और जिसका कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया हर साल होता है। हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत की, टीचरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई और टीचरों प्लस बच्चों और इनके पेरेंट्स ने पूरा सहयोग देने की वजह से आज रिजल्ट है कि हम पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है। इसके लिए हरियाणा और फरीदाबाद के लोगों को बड़ा प्राउड होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं इस पर, और ख़ास करके मैं कहूँगा स्लम एरिया जिसे कहते हैं हम, इस कॉलोनी में, संजय कॉलोनी में रहने वाले बच्चों ने ये काम करके दिखाया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। कमिश्नर साहब ने बधाई दिया है बच्चों को, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं कमिश्नर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया और इन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके साथ साथ ही हमारे स्कूल के कंपटीशन में थ्रू आउट इंडिया उन्होंने 5 टीचर सिलेक्ट किए, जिसमें 2 टीचर हमारे ही सिलेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और उसके साथ साथ उन्होंने 10,000 रुपये पर टीचर को इनाम दिया है और 25 रुपये इस बच्चे को जिसने टॉप किया है इसको इनाम दिया है। और इनको आगे भी जब जब आगे क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो 5 बच्चों को ही बेनिफिट मिलेगा इसका, चाहे इंजीनियरिंग में जाते हैं या किसी और भी साइड में एजुकेशन में बढ़ेंगे तो उनको हमेशा ही परफॉर्मेंस मिलेगी। बहुत अच्छा लगा ये देख के, और इसमें हमारे परमार सर और नवीन सर, इनकी बहुत मेहनत और बच्चे की बहुत मेहनत थी, ये लगे रहते थे और जिसकी वजह से ये आज टॉप किया है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।